आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं नए बीजेपी अध्यक्ष। पीएम मोदी के साथ मीटिंग के बाद शुरू हुई चर्चा। फडणवीस को माना जा रहा है सबसे फिट कैंडिडेट। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को मिल सकता है फायदा। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से यह सवाल चर्चा में है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब मोदी 3.0 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, जिससे उनके उत्तराधिकारी की खोज जारी है। कई नामों पर चर्चा होने के बाद अब यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा की जगह ले सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पत्नी अमृता फडणवीस की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या फडणवीस नए बीजेपी अध्यक्ष होंगे। फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व के हर भरोसे पर खरा उतरते हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। बीजेपी अध्यक्ष के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी उनके गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं और वहीं से विधायक हैं। इससे पहले नागपुर से ही नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि फडणवीस संगठन में शीर्ष पद को संभालते हैं तो पार्टी को कई लाभ हो सकते हैं। मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी फडणवीस के प्रभावी नेतृत्व के चलते पार्टी को मदद मिल सकती है। महाराष्ट्र में फडणवीस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं के चलते राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पहले विनोद तावड़े और सुनील बंसल के नाम चर्चा में थे, लेकिन फडणवीस का नाम अब सबसे आगे माना जा रहा है। धन्यवाद। एक अजून महत्त्वाची गोष्ट आहे, या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करत असताना पूर्वेतली जी राज्य आहेत ती एक थीम थोडीशी घेतलेली दिसते, त्यामुळे काही राज्यांची नावं आली लगेचच आमच्या महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांनी आणि खासदारांनी त्या ठिकाणी बजेट न वाचता घोषणा दिल्या, बजेट न वाचता प्रतिक्रिया दिल्या। मला असं वाटतं जनता तुम्हाला जेव्हा निवडून देते एवढीच अपेक्षा असते की काय तरतुदी आहेत त्या वाचल्या पाहिजेत। मी ॲट अ ग्लान्स, म्हणजे अजून माझ्याकडे फाईन प्रिंट यायची आहे, मी ॲट अ ग्लान्स पाहत होतो तरी मला महाराष्ट्रातल्या तरतुदी सापडल्या। विदर्भ मराठवाड्यातल्या दुष्काळ भक्त ग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांना 600 कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार योजना 400 कोटी, समावेशक कामासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर 466 कोटी, क्लायमेट रेझिलियंट अॅग्रीकल्चर 598 कोटी, महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस जो आपला प्रोजेक्ट आहे त्याला केंद्राचा हिस्सा 150 कोटी, MUTP 3 जो मुंबईकरता महत्वाचा प्रकल्प आहे 908 कोटी, मुंबई मेट्रो याच्याकरता 1087 कोटी, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर 499 कोटी, MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी 150 कोटी, नागपूर मेट्रो 683 कोटी, नाग नदी सुधार प्रकल्प 500 कोटी, पुणे मेट्रो 814 कोटी, मुळामुठा 690 कोटी। म्हणजे ही यादी वाढतच जाणार आहे, उद्यापर्यंत पूर्ण यादी घोषित करू। ही तर ॲट अ ग्लान्स 5 मिनिटात काढलेली यादी आहे, फाईन प्रिंट यायच्या आधी जेवढे डॉक्युमेंट हातात आले। मला असं वाटतं की विनाकारण नरेटिव्ह तयार करण्याचा जो प्रयत्न होतो, महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही हे तुमच्या समोर आहे, आणि रेल्वेच्या बजेटचे पैसे तर अजून सांगितलेलेच नाहीत, आणि वेगवेगळ्या योजनांवर जे महाराष्ट्राला मिळालेले आहेत ते देखील अजून त्याचे फाईन प्रिंट माझ्या हाती यायचे आहेत। म्हणून विरोधकांना माझा सल्ला आहे, या ठिकाणी केवळ नरेटिव्ह करता राजकारण करू नका, आपल्या राज्याला काही मिळालं पाहिजे अशी भावना असेल तर त्याचा पाठपुरावा करा। मी दाव्याने सांगतो माननीय मोदी साहेबांच्या अजेंड्यावर महाराष्ट्र प्राथमिकतेने आहे, म्हणून ॲट अ ग्लान्स एवढ्या तरतुदी मिळालेल्या आहेत आणि भरपूर पैसा महाराष्ट्राच्या विकासाला मिळणार आहे। किंबहुना मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात ज्या ज्या गोष्टी आम्ही मागितल्या त्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला मिळतील, हा मला विश्वास आहे।